नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में पेंशन से रिलेटेड दो बड़े अपडेट निकल कर आए हैं, तो उन्हीं अपडेट के बारे में अभी मैं आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, 2016 के पूर्व जो रिटायर कर्मचारी है तो उनके लिए जो उनकी पेंशन रिविजन के लिए आवेदन करने के लिए यहाँ पर एक अपडेट निकल कर आया है। उसके बाद यहाँ पर दूसरा अपडेट है कि 6 माह से नहीं मिल रही है वृद्धावस्था पेंशन। इसके लिए एक पेंशन धारक ने सीएम को पत्र लिखा है। दोस्तों ये जो दो बड़े अपडेट पेंशन के संदर्भ में है तो उसी के बारे में अभी मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए ताकि ये जो दो बड़े अपडेट पेंशन धारकों से रिलेटेड है तो इसके बारे में आप सभी को पता चल सके। और दोस्तों इसी तरह के अपडेट जानने के लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और उसके बाद जो बेल का बटन रहेगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि भविष्य में जो भी अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, ये जो दो बड़े अपडेट पेंशन से रिलेटेड निकल कर आए हैं जिसके तहत बताया गया है कि पेंशन निर्धारण के लिए आवेदन करें। तो जो दोस्तों राजस्थान जैसलमेर से ये अपडेट निकल कर आया है जिसके तहत बताया गया है कि राज्य सरकार के वर्ष 2016 से पूर्व सेवानिवृत्त ऐसे समिष्ठ पेंशनर जिन्होंने 2016 के नए वेतनमान के अनुसार पेंशन निर्धारण कोषालय के माध्यम से अभी तक नहीं करवाया है उनके लिए विशेष अभियान चलाया जाकर पेंशन निर्धारण का कार्य किया जा रहा है। इस बारे में जिला कोषाधिकारी देवकृष्ण पवार ने बताया कि इस संबंध में जिन पेंशनर्स ने प्री 2016 के पेंशन निर्धारण के लिए आवेदन नहीं किया है वे कोषालय अथवा बैंक में अपना आवेदन कर पेंशन निर्धारण करवाया जाना सुनिश्चित करवा ले। उन्होंने पेंशनर समाज के अध्यक्ष सचिव और अन्य पदाधिकारियों से आग्रह किया है कि वे ऐसे पेंशनर से यथाशीघ्र संपर्क कर उनके आवेदन और पत्रावली भिजवाने में आवश्यक सहयोग प्रदान करें। तो यह दोस्तों यहाँ पर जो 2016 के पहले रिटायर कर्मचारी है तो उनको यहाँ पर ये जो पेंशन संशोधन के लिए आवेदन करने की यहाँ पर सूचना दी गई है तो उसके बारे में जो अभी हमने इस वीडियो में जानकारी दी। अगर आप भी ऐसे पेंशन धारक हैं जिन्होंने अभी तक अपने पेंशन निर्धारण के लिए आवेदन नहीं किया है तो आप जल्द से जल्द आवेदन कर दीजिए ताकि आपको जो वो बड़ी मेरी पेंशन का लाभ मिल सके। तो चलिए अभी दूसरा जो अपडेट है तो उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। यह दोस्तों यहाँ पर दूसरा अपडेट है कि 6 माह से नहीं मिल रही वृद्धावस्था पेंशन। तो यह दोस्तों राजस्थान बीकानेर से यह अपडेट निकल कर आया है जिसमें बताया गया है कि रामपुरा बस्ती निवासी छोटी देवी ने जिला कलेक्टर एवं मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर वृद्धावस्था पेंशन दिलाने की मांग की है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि पहले पीपीओ नंबर 0889108 से पेंशन स्वीकृति लेकिन भामाशाह सत्तापन न होने से 12 जनवरी 2020 को पेंशन बंद कर दी। 3-4 माह चक्कर निकालने के बाद उपखंड कार्यालय ने कहा कि नया आवेदन कर दो। उन्होंने पुराने पीपीओ को मानते हुए पूरी पेंशन दिलाने की मांग की है। तो जो दोस्तों यहाँ पर पेंशनधारकों से रिलेटेड ये जो दो बड़े अपडेट निकल कर आए थे जिसके तहत यहाँ पर रामपुर बस्ती निवासी छोटी देवी ने उनको जो मिलने वाली पेंशन है तो वो रोक दी गई थी। तो उसे जो पहले से जो पीपीओ नंबर जारी किया गया है तो उसी के बेसिस पर जो यहाँ पर पेंशन आगे कंटिन्यू करने के लिए यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री को एक पत्र भेजा है। दोस्तों उसके बाद यहाँ पर दूसरा जो अपडेट था तो वो था पेंशन निर्धारण के आवेदन के संदर्भ में। तो ये दोस्तों यहाँ पर जो दो बड़े अपडेट निकल कर आए थे तो उसी के बारे में अभी मैंने आपको इस वीडियो में जानकारी दी। इसी तरह के अपडेट जानने के लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि भविष्य में जो भी अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।